माँ जी, माँ जी मेरी बात सुनिए ना। माँ जी आप सब जानती हैं, अगर 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 कन्हैया जी को पता चल गया कि सोना ने आत्महत्या की, तो वो कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे माँ जी। और माँ जी, माँ जी मैं नहीं चाहती कि वो इस अफसोस के साथ जी। और माँ जी सोना तो उनके अफसोस के लायक भी नहीं है। हट जाओ यहां से। अगर कन्हैया की बात ना होती ना, तो हम तुम्हें कभी इस तरह से बेदाग नहीं जाने देते। इस मामले में तुमने जो किया है वो मामूली नहीं है, एक बहुत बड़ा अपराध किया है तुमने। हम सिर्फ कन्हैया के कारण तुम्हें छोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर कन्हैया को सच्चाई का पता चले वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सिर्फ अच्छा है वैसे ही गुस्से में सोना को याद कर। बार बार मेरे बाथरूम में क्यों आती हो? कुछ बोल दोगी तो कुछ घट जाएगा। मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे। मां, मां कुछ बोलती क्यों नहीं हो? कौन है, कौन है अंदर, कौन है अंदर, कौन है अंदर, कौन है अंदर? दिमाग का वहम है, तुम्हें ऐसी छूट मूट कोई सोना दिखाई दे रही है। कहते हैं ना कि बिल्ली जब रसोई से दूध पी के निकलती है तो उसको लगता है कि कोई उसकी चोरी पकड़ेगा नहीं, लेकिन उसकी मूछें ना सारा भेद खोल देती। देखो हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अगर तुम इस तरह घबराओगी तो
सारे लोगों को तुम पर शक हो जाएगा और कहीं कन्हैया के सामने सारा भेद ना खुल जाए। इसलिए बेटा चतुरासी संभालो अपने आप और यहाँ खड़ी खड़ी ऐसी कहानियां मत बनाओ। जाओ जाके अपने कमरे में सो जाओ। जा, कोई भूत वूत नहीं है यहाँ। अरे कोई नहीं है। चित्रासी हमारी गिरफ्त में, ये चाल तो हमारी कामयाब हो गई सोना भोग। जी मम्मी जी, जीते जी ना से, पर मरने का ये नाटक करने के बाद तो हम चित्रासी की असलियत सबके सामने लाकर ही रहेंगे। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हम सच बताएं, हमें लग रहा था पता नहीं तुम ये मरने का नाटक ठीक से कर पाओगे कि नहीं। वाह, तुमने तो कमाल कर दी। मम्मी जी, चित्रासी चाहे जितनी भी चालाकी कर ले, इस हद तक तो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो तो हमारी बात सुनकर इतना घबरा गई कि हमें और कुछ करना ही नहीं पड़ा। वो तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि जो जहर की शीशी थी वो जहर नहीं, मामूली सा लिक्विड था। और हमारे मुंह से जो झाग निकल रहा था वो तो इसलिए था क्योंकि पहले ही हमने अपने मुंह में पेस्ट रख ली थी और वो इस कदर डरी हुई थी कि उसे और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। और उसने विश्वास कर लिया। हमें अब तक आश्चर्य हो रहा है कि हमने ये सब बिना गड़बड़ी कर लिया। पर मम्मी जी, ये सब कुछ आपकी मदद से हुआ है। घर के पिछवाड़े में बेटा। ओ बाप रे, तुम ठीक तो हो ना? अरे बहुत दूर तक घसीटती भी लेकर आई है तुम्हें। हम ठीक है मम्मी जी, लेकिन चित्रासी? अरे फावड़ा लेने के लिए घर के पिछवाड़े में गई है। हम तो उस पर पूरी नजर रखे हुए थे। अरे हमारा कमरा उसने बाहर से बंद कर दिया। हमें जैसे ही मौका मिला ना बेटा, हम खिड़की से बाहर निकल आए और उसका पीछा करने लगे। शुक्र है यहाँ उसको अक्कल आई फावड़ा लेने के, नहीं तो पता नहीं कितनी दूर तक जाना पड़ता। चलो चलो चलो, हम जल्दी से इस पुतले को डालो और कुछ भारी चीज भर देते ताकि उसको शक ना हो। अरे पर मम्मी जी, अगर उसने चेक कर लिया तो? अरे नहीं करेगी, वो इतनी घबराई हुई है कि वो चाहेगी कि जल्दी से जल्दी इस बोरे से छुटकारा मिल जाए। चल बेटा जल्दी, कल आती होगी वो।
तुम्हें बहुत सजग रहना होगा। बेटा हम जानते हैं कि जिस जगह तुम रह रही हो वो बिल्कुल रहने लायक नहीं है, लेकिन क्या करें, और कोई चारा भी तो नहीं है। ये मम्मी जी, हम रह लेंगे। क्या हुआ बेटा, उदास क्यों हो गई? कन्हैया के बारे में सोच रही हो? वो तो अब हमसे नफरत कर रहे होंगे ना। सुमना बेटा, हम अपने कन्हैया को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। भले ही तुम्हें लग रहा हो कि वो तुमसे नफरत करने लगा है, लेकिन वो तुमसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ सकता। बेटा तुम इन बातों के बारे में सोचना छोड़ दो। तुम्हें तो सिर्फ ये सोचना है कि तुम्हें चित्रासी की सच्चाई सबके सामने लानी है, और बेटा तुम्हें इस मकसद में कामयाब होना ही पड़ेगा। तनने वाली तलवारें ही ढाल बन जाएं, तो कोई क्या बिगाड़ सकता है। अब जब माझी भी मेरे साथ खड़ी है तो कन्हैया को मेरा होने से कौन रोक सकता है। अब बहुत जल्द ये सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी। दवाई समझ नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। सर दर्द से फटा जा रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं, किससे कहूं। इतनी रात को आपको मैसेज कर दिया, तकलीफ के लिए माफी मांगती हूं। इसमें माफी की क्या बात है, दवाई ले लीजिए, आराम मिल जाए। बहुत ज्यादा तकलीफ में, आपको सिर दबा देते हैं, आराम मिल जाए। लेकिन मेरी वजह से आपकी बेवजह नींद खराब होगी। नहीं नहीं, वैसे भी हम जो है आजकल लेट ही सोते हैं। जिस तरह मेरा ख्याल रख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। मैं
चलिए अब आप सो जाइए, हमारा सर दर्द ठीक हो गया। सोना सोना जी, देखिए सुनिए मेरी बात, आप चुपचाप यहाँ लेटे रहिए, अब आपकी मनमानी जो है बिल्कुल नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये है कि हमें आपके पति देव, दूसरे हमें इंस्पेक्टर, आप कोई ऐसे वैसे भी इंस्पेक्टर नहीं है भाई, सिविल लाइन थाने के इंस्पेक्टर है। आप एक इंस्पेक्टर साहब की बात काट रहे हैं, तो आप अपना ऑर्डर जो है वो फरमाना बंद कीजिए, क्योंकि हम जो है किसी की सुनते नहीं, आप यहाँ पे आराम आराम से करते। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 इंस्पेक्टर साहब। छोड़ के ही जाना था तो इस तरह से क्यों गई, आधी अधूरी, हमसे हमारा सब कुछ छीन के ले जाती। यादें क्यों छोड़ गई? हम जानते हैं इसके पीछे भी आपका यही मकसद होगा। आपके जाने के बाद हम उसी तरीके से हर पल हर घड़ी तड़पते रहे, ऐसे ही परेशान रहे, इस कदर छटपटाते रहे। आपको हमें देखकर बहुत खुशी हो रही होगी ना सोनू? देखिए आपका कन्हैया किस कदर छटपटा रहा है, दिल रो रहा है हमारा, और आप, आपको बहुत सुकून मिल रहा होगा, आप, आपको अच्छा लग रहा है ना, आप मुस्कुराई। आप जानती हैं कि हम आपके बिना नहीं जी सकते, फिर भी आप, आपने अपने दिल की तसल्ली कर ली और हम यहां पर बेबस। जबकि जानती हैं आपके नहीं रह सकते हम आपके बिना। मुस्कुराइए आप, खुश रहिए आप, हम पे मुस्कुराइए। अभी इस वक्त सामने होती तो हमें चिढ़ा रही होती है। आपकी वजह से हमारा ये हाल हुआ है।